स्वामी जी के चरणों में प्रणाम। स्वामी जी, मेरा नाम एसपी सती है, मैं देहरादून से हूँ। पिछले 10 साल से मुझे जो है वेरिकोस वेन का प्रॉब्लम था बाएं पैर में, तो 2 साल तो मैंने एलोपैथी की दवाइयाँ खाई तो उससे कोई टेम्परेरी रिलीफ होता था। उसके बाद 2007 में मेरा ट्रांसफ़र हो गया दिल्ली, तो दिल्ली में मैं आपके द्वारिका में रामफल चौक पे जो है एक आपका पतंजलि का आउटलेट है, वैद्य जी बैठते हैं, तो वहाँ मैंने उनको दिखाया तो उन्होंने मुझे आयुर्वेदिक दवाइयाँ लिखी और गाइड किया कि आप जो है प्राणायाम करिए। तो उस समय से मैंने प्राणायाम वगैरह करना शुरू किया तो मुझे 1 महीने में ही रिजल्ट मिलने लग गया। तो वेरिकोज वेंस का थोड़ा इसमें चंद्र प्रभावटी थोड़ा जी हाँ, चंद्र प्रभावटी और कुछ योगराज गूगल वगैरह कुछ लिखे थे वैद्य जी ने, तो उन्हीं का मैं प्रयोग करता रहा और प्राणायाम किया। 1 महीने में रिजल्ट आना शुरू हो जाता है। वेरिकोज वेंस बहुत दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, कई लोग तो ऑपरेशन करा लेते हैं तो उसके बाद उनको पीड़ा ही रहती है, उससे और ज्यादा बढ़ता है। जी हाँ, उससे और ज्यादा बढ़ता है, लेकिन मैंने कभी उस तरफ ध्यान नहीं दिया, प्राणायाम पे ही ध्यान दिया और आपकी गाइडेंस से कृपा से मैं आज जो हूँ स्वस्थ हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गोल गोल घुमा 10-10 बार तो करूँ? ये तो पहले से जो भी करके आए हैं उसमें भी कई कई बीमारियां मिटा के हैं लगातार करके। हाँ, आपने क्या पाया भाई? स्वामी जी ओम। स्वामी जी, मेरे को दिखना बंद हो गया था बिल्कुल जो है, और उसके बाद मैं गाड़ी चलाता था तो ब्रेकर वरेकर सबको दा देता था, अचानक एकदम से दिखना बंद हुआ अचानक। हाँ जी। नाम क्या है? अरुण यादव है स्वामी जी, मैं जज्जर का रहने वाला हूँ। अरुण यादव। तो उसके बाद जो है स्वामी जी, मैंने आपकी ड्रॉप डालनी स्टार्ट की और थोड़ा अलोम विलोम और ये दृष्टि जी, तो उसके बाद धीरे धीरे मेरे को फिर उल्टा काम शुरू हो गया स्वामी जी। मेरे को फिर जब चश्मे लगा लेता था तब गाड़ी कुदाना शुरू कर दिया मैंने। अब उसके बाद मैंने चेक कराई तो उन्होंने कहा कि आपकी आंखें अब बिल्कुल ठीक है, मैं बिल्कुल सही हूँ स्वामी जी। तो पहले वो चश्मे की जरूरत ही नहीं थी, वो लगाने शुरू कर दिए। नंबर भी एकदम ज्यादा बता दिए थे स्वामी जी, लेकिन उसके बाद फिर वो जो है वो ठीक हो गया और मैंने जब कुदाना शुरू किया तो फिर दोबारा चेक कराया, बिल्कुल सही हूँ स्वामी। तो आँखों में क्रिटिकल प्रॉब्लम आ गई थी, अचानक गड़बड़ हो जाए, दृष्टि डाउन चली जाए, तो दृष्टि आई ड्रॉप डाला और अनुलोम विलोम कपालभाति प्राणायाम किया, अब ठीक हो गए। कई बार तो ऐसी बीमारी होती है पता ही नहीं लगता कैसे क्या हो गया, आदमी परेशान। और किसी को कोई विशेष क्या है भाई? ये तगड़े वाले भाई से पूछते, आप करते रहो अपने आप सारा काम होता जाता है, योग अपना काम करता रहता है, कोई बीमारी कोई कह के थोड़ी आती है कि मैं तेरे को हो रही हूँ। कोई भी बीमारी कह के नहीं होती है। क्या आपको वैसे क्या फायदा हुआ? गोल गोल घुमा लो 10-20 बार तो। प्रणाम बाबा जी। प्रणाम। पोखरण से हूँ जहाँ से परमाणु विस्फोट हुआ था, और मेरे ये पैर रह गया था से 2 साल पहले। अच्छा। पूरा पहले कमर दर्द थी, तो फिर सब हॉस्पिटलों में अहमदाबाद दिल्ली सब जगह चेक करवाया, सब जगह ऑपरेशन का ही बताया, तो फिर 6 महीने घर पे बेड रेस्ट भी रहा। उसके बाद में पापा जी ने कहा कि पतंजलि योग भी चला जा, वहाँ तैयार होगा, अब तुम ऑपरेशन करवाना नहीं है। तो मैं जोधपुर आपका जो योग केंद्र है वहाँ से आपकी सीढ़ी लाया कमर दर्द की। अच्छा। वो देख के घर पे किया, 1 महीने के बाद में मेरा लंगड़ापन सही हो गया, मैं लंगड़ा चलता था, घर पे रहता था, बाहर ही नहीं निकलता था शर्म के कारण। तो फिर धीरे धीरे 1 महीने बाद में सही चलना चालू हो गया। उसके बाद में 7-8 जने जो पोखरण में थे ऑपरेशन कराने के लिए, 3 जने रवाना हो गए थे, उनको भी सीढ़ी दी आपकी जाके, और उन्होंने भी योग किए, वो तैयार है। और पोखरण में जहाँ परमाणु विस्फोट करवाया था वाजपेयी जी ने, और आप मैं भी खुद जाके आया हूँ। आप भी आए थे वहाँ भी, उस समय भी मैं था। और तो आपने योग में परमाणु विस्फोट कर दिया बीमारियों पे। देखो ये भाई लंगड़ा हो गया था, मेरा पैर एकदम लंगड़ा था, 6 महीने बेड रेस्ट था, घर पे एक ही बेटा हूँ मैं, और बिल्कुल कहीं नहीं आता जाता था। 6 महीने बेड रेस्ट में अकेला बेटा, घर का सारा काम ठप, सारा परिवार ठप। ये बस कमर की एक सीढ़ी, हमारे अलग अलग बीमारियों पे सीढ़ी बना रखी है, उससे आपको जानकारी। सीढ़ी देख के तैयार हो गया बाबा जी। सीढ़ी देख देख के हजारों साल उम्र करे। और आज ये वजन कितना कम किया यहाँ? आज साहब 1 किलो 300 ग्राम वजन कम। चलो पहले दिन घी बहुत खाते हैं राजस्थान वाले, घी तो घर का निकाल के खाते हैं। तो
एक किलो 300 ग्राम तो एक दिन में घटा लिया, और बाकी ये जो पहले लंगड़ा हो गया था ठीक कर लिया अपनी टांग है। और मेरे बुआ जी है वो जोधपुर का रिकॉर्ड है 190 किलो है, आज उनसे बात की वो खैर मेरे को भी आना है अगले शिविर में आऊंगी। 190 किलो 190 किलो है बाबा जी, जोधपुर का रिकॉर्ड है पूरा, पूरे पत्रिका अखबार में आया था। फिर वो तो लेके आनी चाहिए, उनको पता नहीं चला बाबा जी, आज ही फोन किया, अगले शिविर में आके भी जी जी तो मोटे मोटे बहुत से लोगों को तो पता ही नहीं था, नहीं तो पतंजलि में जगह ही नहीं मिलती। ये करो करो ना ऐसे 20-20 बार करो ऐसे, ये थोड़ा थोड़ा करके ऐसे तो घटता रहता है, ये पेट के लिए भी, डायबिटीज के लिए भी, वेट के लिए भी बहुत अच्छा ऐसे। नमस्कार स्वामी जी, मेरा नाम मानिक है, मैं अहमदाबाद से हूँ। स्वामी जी मुझे एंकिलाइजिंग स्पॉन्डोलाइसिस था, एंकिलाइजिंग स्पॉन्डोलाइसिस। वो एंकलोजिंग स्पोलाइटिस ये बड़ा खतरनाक होता है, टेढ़ी हो जाती है कमर। हाँ जी, मैं खड़ा नहीं हो पा रहा था, लेट जाऊँ तो खड़ा नहीं हो पा रहा था। 23 दिसंबर से 30 दिसंबर 2003 में आपकी शिविर थी अहमदाबाद में। हाँ, मैं नीचे बैठ नहीं पा रहा था, मैं पाँव खुले रख के प्राणायाम कर रहा था। पहले दिन में आधे घंटे बाद मैंने सुखासन लगाया था, और चौथे दिन पर वो स्टेडियम था सुबह 6 से 8, सर्दी में प्राणायाम होता था, मैंने चौथे दिन पर स्टेडियम का आधा चक्कर दौड़ के काटा था। पर गलती इतनी हो गई कि उसके बाद मैंने प्राणायाम घर जाके बंद कर दिया। 2003 से 2011 8 साल में मैंने एक रुपए की भी दवाई नहीं खाई है। ये वापस थोड़ा पेन शुरू हुआ, इसलिए भी वापस यहाँ पे आया हूँ 23 जून से 30 जून, और मुझे यकीन है 30 जून को मैं स्वस्थ होके ही जाऊँगा यहाँ से। ये 2003 का पुराना स्टूडेंट है हमारा, वहाँ जो है सरदार पटेल स्टेडियम में शिविर था, वहाँ आता था। एंकिलोजिंग स्पोलाइटिस में आदमी टेढ़ा हो जाता है, और छोटी सी उम्र है, कितनी उम्र थी बेटा मेरी तब? तो स्कूल में था शायद, मैं 18-19 साल हो गई मेरी उम्र, 18-19 साल में ये टेढ़ी हो जाती है कमर। इसमें इसका मेडिकल साइंस में कोई इलाज ही नहीं है, फिर पूरी डिजनेशन हो जाती है स्पाइन में, और ऐसा टेढ़ा हो जाता है, ऐसे कुबड़ा हो जाता है। अभी फिर इसने बीच में गलती की ना, छोड़ दिया। मैंने छोड़ दिया, वो गलती हुई, अभी मैं स्ट्रेट हूँ, मेरा पाँव में थोड़ी तकलीफ है और नेक में, पर वो भी स्वस्थ हो जाएगी। हो जाएगा। जोरदार अभिनंदन, खूब खूब धन्यवाद आपका। एंकलोजिंग स्पोलाइटिस एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये तो, लेकिन होगी किससे ठीक? दोनों हाथ सामने खोल लो, थोड़ा रिलैक्स कर, सूक्ष्म व्यायाम, लंबा लंबा श्वास लेते रहो आप। एंकलोजिंग स्पोलाइटिस हो, किडनी फेल हो, लीवर फेल हो, पैरालिसिस हो, सब ठीक होता है, करना तो पड़ता है। देखो ये थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज है, छोटी छोटी, सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम, इतना करने से ही पूरा परिवर्तन शुरू हो जाता है। फिर जितने जितने बीमारियों में जो जो आसन हम बताते हैं उतना उतना कर लो, थोड़ा सा आयुर्वेद का उपचार लो लो, पूरा चेंज हो जाती है लाइफ। है क्या नाम है भाई? हेलो बाबा जी, नमस्ते। नमस्ते बाबा जी, मैं मेरठ की रहने वाली हूँ, और मेरे को बचपन से अस्थमा की बीमारी थी। 10 साल से आपको टीवी पे देख के योग करती हूँ मैं, अस्थमा बिल्कुल ख़त्म हो चुका मेरा, और 2004 में मेरे को शुगर हो गई, तो बीपी भी था, बीपी भी बिल्कुल क्लियर हो चुका बाबा जी मेरा, दो बीमारी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी योग करने से। तो दो तो ख़त्म कर ली इसने, बीपी की अब गोली नहीं खानी पड़ती? नहीं, बिल्कुल छोड़ दी बाबा जी। कितने साल हो गए? मेरे को 10 साल 11 साल हो गए। तो बी जो है बीपी तो ठीक कर लिया, अस्थमा, अस्थमा बिल्कुल जड़ से खत्म हो गया बाबा जी, बहुत परेशान थी बचपन से था मुझे। जितने लोग हार्ट अटैक से मरते हैं उससे ज्यादा रेस्पिरेटरी सिस्टम के फेल होने से मरते हैं, देखने में दवा ऐसा लगता है दम निकाल देता है पूरा, और प्राणायाम से तो सबसे ज्यादा असर ही रेस्पिरेटरी सिस्टम पर होता है। और इस देश में तो जितना पॉल्यूशन बढ़ रहा है दिल्ली से लेकर के पूरे देश में, प्राणायाम नहीं करेंगे जिंदा ही नहीं रहेंगे, इसलिए करना ही पड़ेगा। ये तो बहुत आशीर्वाद। ब्लड प्रेशर की गोलियां बंद हो गई, ब्लड प्रेशर की तो कई लोगों ने बंद कर लिया, अभी और जिनकी बाकी रहेगी उनकी और हो जाएगी। जिन्होंने पहले लाभ पाया उनसे पहले 2-3 से पूछा था, एक और किसने विशेष पाया? चलो उस बिटिया से पूछो भाई, इधर ही पास में ही है। ये थोड़े सूक्ष्म व्यायाम, थोड़ा कपाल भाती कर लो, चलो। स्वामी जी ओम। ओम बेटा। मेरा नाम नुपुर है, मैं 21 साल की थी तो मुझे डिप्रेशन हो गया था, 9 महीने ट्रीटमेंट चला, ठीक नहीं हुआ, डॉक्टर्स ने मना कर दिया कि अब ठीक भी नहीं होगा। जिया जी मेरे आपके बहुत बड़े भक्त हैं, तो वो मुझे उन्होंने सिखाया प्राणायाम, 1 महीने में ठीक हो गया, डॉक्टर्स ने पढ़ने के लिए मना कर दिया था, आज मेरा खुद का इंस्टीट्यूट है, मैं 50 बच्चों को खुद पढ़ाती हूँ। क्या बात। तो अभी थोड़ा वेट भी बेहतर, जल्दी कम हो जाएगा ना? हाँ, अभी जो दवाइयों से ही हो गया था।
दवाइयों से ही हो वो गया। दवाइयों से ना रिएक्शन होके बेटी का वजन बढ़ गया। अभी आज कितना कम किया बेटा? 1 किलो। 1 किलो एक दिन में कम कर लिया, इसके लिए भी बेटी को आशीर्वाद है। और इसने डिप्रेशन की दवाई खाई, उससे साइड इफेक्ट हुआ, लेकिन 1 महीने में ही प्राणायाम से ठीक होएगा डिप्रेशन। क्या होता है डिप्रेशन वाले पेशेंट को ना घर वाले यूँ सोचते हैं ये तो फालतू में उल्टा उल्टा सोचता है, दरअसल उसका उसका काबू नहीं लगता, उसके भीतर ऐसे बायोकेमिकल चेंजेस आते हैं, हार्मोनल चेंजेस आ जाते हैं, वो सोचना अच्छा चाहता है उल्टा उल्टा विचार चलता रहता है, ब्रेक ही नहीं हो पाता वो। तो प्राणायाम से पॉजिटिव एनर्जी इतनी बढ़ जाती है, और मैंने कहा ना लोअर कॉन्शियस से हाई कॉन्शियस में हम ऊपर उठ जाते हैं, अपलिफ्ट हो जाते हैं। ये है प्राणायाम का फायदा। डिप्रेशन क्या, जिस देश में करोड़ों लोग हैं, बस दवाई क्या, नशे की गोलियां खिला देते हैं, नींद की गोलियां खिला देते, सोते रहो, मोटे हो जाते हैं, साइड इफेक्ट है उनके। प्राणायाम से, ध्यान से। एक दो बहनें और भी कुछ कहना चाहती हैं, चलो उनका भी सुन लेते हैं। ये छोटी छोटी क्रियाएं बताओ, लगातार करो, चलो सीधे बैठो। हाँ बहन। प्रणाम गुरुदेव, मैं जयपुर से हूँ, रीना टाक। गुरुदेव मुझे काफ़ी टाइम से साइटिका पेन था पीछे कमर में, और मुझे थायराइड और बीपी भी था। तो हमारे घर के सामने एक गार्डन है, वहाँ पे आपके निशुल्क पतंजलि का शिविर लगा था, वो मैंने ज्वाइन किया था, और उसके बाद मैंने अपना कंटिन्यू रखा ये आपका योग प्राणायाम, तो उससे आज मैं एकदम स्वस्थ हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ आपको, इसीलिए मैं खड़ी हुई। बहुत 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 धन्यवाद। थायराइड, बीपी, शाटिका सब ठीक कर लिया। अपने शिक्षक है, पूरे देश भर में ये निस्वार्थ सेवा देते हैं, एक बार उन सबका अभिनंदन है जो बहुत बड़ी सेवा पूरे देश भर में हमारे कार्यकर्ता भाई बहन दे रहे हैं। आप हॉस्पिटल नहीं चला सकते क्योंकि हॉस्पिटल बनाओ करोड़ों रुपए खर्च होंगे, फिर डॉक्टर रखो उनकी लाखों रुपए तनख्वाह दो, फिर लाखों रुपए की दवाइयाँ लाओ, कौन करेगा? हॉस्पिटल सब नहीं चला सकते, स्कूल कॉलेज सब नहीं चला सकते, गौशाला धर्मशाला सब नहीं चला सकते, बहुत पैसा खर्च होता है। लेकिन निःशुल्क योग की कक्षा चला के आप हजारों लोगों को जीवन दान दे सकते हैं, और ये सबसे बड़ी सेवा है जो हमारे कार्यकर्ता देश में कर रहे हैं। जगह जगह शिविर चलाते हैं, जगह जगह निःशुल्क कक्षाएं चलाते हैं, उनमें लोग जाके सीखते हैं, फिर फॉलो करते हैं, जीवन बदल रहे हैं लोगों के। ये अंदर अंदर काम हो रहा है, अंदर अंदर काम हो रहा है, पूरे देश भर में काम चल रहा है, इस काम की बहुत ज्यादा जरूरत है। कर रहे हैं, परिवर्तन हो रहा है। तो बहुत भाई यहाँ बहुत तरह की बीमारियां मिटा के आए हैं, ये काफी देर से दोनों बहनें खड़ी हैं, चलो इनसे पूछ लेते, एक पीछे वाली बहन से भी। हाँ हाँ चलो पीछे वाले से पूछ लेते पहले। हाँ करो, आप लोग करो ना जरा। ओम बाबा जी जी, चरणों में मेरा सत सत नमन। मैं आपको अपना पिता तुल्य समझती हूँ, मेरा आप जीवन दाता हैं। मेरी 6 बीमारियाँ इतनी भयंकर कि डॉक्टरों ने बोला कि आपका ऑपरेशन ही इसका एक मेन इलाज है। और मैं विजय परिहार, मैं वकील हूँ, लखनऊ से आई हूँ। मेरी रीढ़ की हड्डी बढ़ गई थी और मैंने डॉक्टरों से इलाज कराया। चार मेरे हस्बैंड भी डॉक्टर हैं, आजकल आए हुए हैं साथ में। पति खुद डॉक्टर हैं, रीढ़ की हड्डी बढ़ गई, एक्सेस ग्रोथ होगी बोन के अंदर, फिर कूल्हे की हड्डी बढ़ गई थी, तो डॉक्टरों ने बोला कि आप मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने आप झुकिए मत। तो मैं 4-5 साल तक झुकती नहीं थी, कोई काम नहीं कर पाती थी, और मेरा इलाज चल रहा था लेकिन मुझे कोई फायदा नहीं। नाम क्या बहन? विजय परिहार। विजय परिहार, तो हड्डी बढ़ गई कुल्ले की और रीढ़ की, तो जी फिर? और तो मेरा छोटा बेटा कहता था मम्मा आप योग करिए, वो 6th में या 5th में पढ़ता था। अच्छा जी, तो मैं उसकी बात को महत्व नहीं देती थी। तो बाबा जी एक दिन आपका टीवी में मैंने देखा, तो आपने बोला इससे कमर का दर्द सही होगा, तो बेटा बोला कि देखो देखो मम्मा इसको बंद मत करना और ये कमर का दर्द सही होगा। मैंने उसी दिन किया और बेटे ने भी किया, कपाल भारती किया, और मेरा 50% मुझे फ़ायदा हुआ। और बाबा जी उसके बाद मेरी रीढ़ की हड्डी जो बढ़ी हुई थी, डॉक्टरों ने बोला कि आप इसका केवल ऑपरेशन इलाज है। और मैं कोर्ट में जाती थी तो पाइप फुला के बैठने के लिए डॉक्टरों ने बोला, चूँकि 10 से 4 बैठना होता था, मजबूरी थी, बैठती थी। सर्विस करते हो? मैं वकील हूँ। अच्छा, एडवोकेट है जी, हाई कोर्ट में मैं सरकारी वकील थी। अच्छा, तो 2003 की बात है।
करते मैं 2003 से फिर मैंने शुरू कर दिया ये कपाल भारती अनुलोम विलोम, सात पूरे प्राणायाम में करने लग गई बाबा जी, और मेरा 3-4 महीने में दर्द समाप्त हो गया। मैंने एक्सरे कराया तो डॉक्टरों को दिखाया तो डॉक्टर बोले कि क्या मैडम आपने ऑपरेशन करा लिया क्या? मैंने कहा नहीं, तो कहा इसमें तो हड्डी नहीं बढ़ी है, इसमें हड्डी बढ़ी है, किया क्या आपने? मैंने कहा मैंने बाबा जी का योग किया और उसी से मेरा, तो वो लोग बड़ा ताज्जुब माने। एक्सेस बोन में, जैसे एक्सेस जो है जो बोन सेल्स हैं वो डिपॉजिट हो गए, तो बड़ी हुई हड्डी नॉर्मल हो जाती है और घिसे हुए कार्टिलेज दोबारा से आ जाते हैं। ये दोनों काम योग से होते हैं जी। साइंस माने या ना माने, लेकिन हमने ये देखा है, ये सामने खड़ी है मेरा, ये योग की वकालत कर रही है, एडवोकेट है। 18 किलो मेरा वेट कम हुआ बाबा। कितना? 18 किलो। 18 किलो 2003 से मैं लगातार कर रही हूँ, और जो लोग मुझे अब देखते हैं तो कहते हैं क्या आपको टीवी हो गई क्या? सोचते हैं कोई बीमार तो नहीं होगी, पहले इतनी मोटी ठाड़ी थी। जो लोग पहले देखे हैं वो अब देखते हैं कहते हैं बहुत बीमार हैं आप, जिन्होंने पहली बार देखा वो तो कहते हैं ठीक है। मेरे दांत में मसूढ़े में मेरे दर्द रहता था, दांत मेरा काला हो गया था, डॉक्टर बोले इसका ऑपरेशन ही इलाज है और आप ऑपरेशन करा लीजिएगा। मैंने कहा चलो ठीक है। उसके बाद 3-4 महीने बाद जब मैं दवाई तो मेरा दर्द एकदम समाप्त, मेरे हाथ में कंपन होता था वो कंपन भी मेरा सही हो गया। और बाबा जी ये एक्जिमा टाइप में हाथ में हो गया था, एलोपैथिक आयुर्वेदिक सब इलाज करा के होम्योपैथिक सब खत्म, मतलब होम्योपैथिक और एलोपैथिक कराया तो उससे सही नहीं हुआ। एक दिन सुबह टीवी में आचार्य बालकृष्ण जी ने बताया कि श्री इस अमलतास का जो पेड़ है इसके बड़ा अच्छा सा फूल निकलता गुच्छे में, और उसकी आप पत्तियों को आप लगाएंगे, उसको बॉयल करके उसका पानी लगाइए, वो चर्म रोगों में सर्दिया इलाज फ़ायदा करेगा। उससे मेरा एकदम सही हो गया और मैंने बहुत से लोगों को इसको बताया और उनका भी सही हुआ। चलिए ये तो बहन जी तो पूरा लेबोरेटरी बन गई अब, सब बीमारियां ठीक करके और योग विज्ञान को अपने ऊपर ही सारा एक्सपेरिमेंट कर लिया। विजय ने विजय पाली। देखो एक बात कहता हूँ, आप योग करो और योग अपना खुद जो जो शरीर में गड़बड़ी है उसको अपने आप हील करता जाएगा। आपको नहीं समझ में आता ना डिजीज क्या है, डिजीज का मैकेनिज्म क्या है, कैसे ठीक होगी, कैसे क्या होगा, करते जाओ बस, ये करो बस, सुबह शाम करो, ज़्यादा प्रॉब्लम है तो कपालभाति करते थक जाते हो तो अनुलोम विलोम करो। चलो इन दो बहनों से पूछते हैं लास्ट। प्रणाम बाबा जी, मेरा नाम सुषमा राठी है जी, कोलकाता हावड़ा से आई हुई हूँ। कोलकाता से आई जी? हाँ। मेरे 13 सालों से सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस था और मैं उससे बहुत तकलीफ पाती थी, मैं दिन भर सेरिडॉन और डिस्प्रिन खा करके पड़ी रहती थी और खूब सारे दिन तकलीफ होती थी और थायराइड भी रहता था। तो इसने सर्वाइकल पहले तो ठीक कर लिया था जी, एकदम ठीक हो गया था, छोड़ दिया था तो थोड़ा थायराइड का प्रॉब्लम वापस आया, तो ठीक हो जाएगा। प्रणाम बाबा। बहुत अच्छा। एक हमारे तगड़े वाले भाई भी इनसे पूछते हैं। बाबा जी ओम। ओम। बाबा जी मेरा नाम भारद्वाज दुबे है, मैं ग्वालियर से हूँ। अच्छा। रिसेंटली मेरी पत्नी की डेथ हुई, उसके बाद मैं डिप्रेशन में चला गया और मतलब बचना बहुत ही मुश्किल था। हमारे कॉलोनी में एक आज वो है पार्क, उसमें पतंजलि पीठ का वो लगाते हैं सवेरे सुबह सुबह जी जी। मुझे एक मित्र वहाँ ले गए, मुझे ले जाने लगे डी 8 दिन बाद ही मुझे लगने लगा कि मैं ठीक हूँ, मुझे मरना नहीं चाहिए, मैं सुसाइड करने के मूड में आ गया था। और उसके 8-10 दिन बाद मैं सबसे पहले पहुँचने लगा फिर वहाँ, और सबसे बाद में आता खूब धुआंधार जितना वो बताते थे उससे आगे आगे मैं करता था, घर आके फिर मैं करता था, घर आके फिर दोबारा मैं फिर मैं अनुलोम विलोम और कपाल भाती प्राणायाम करता था, उससे मैं ठीक हो गया और आपको नमन करता हूँ, मेरा परिवार बच गया। बहुत बहुत आशीर्वाद भाई। और अब मुझे केवल सोराइसिस है थोड़ी सी, वो भी ठीक हो रही है, और शुगर भी है और बीपी भी है। कोई सारी चीज़ें भी अब कम हो जाएंगी। डिप्रेशन ना जब संबंध ऐसे होते हैं, जैसे क्या होता है पति पत्नी के संबंध जब बहुत प्रेम होता है ना, तो और उस समय ऐसी घटना हो जाए तो फिर आदमी फिर जिंदा नहीं रहना चाहता है, एक पूरा ही उसका साइकिल चेंज हो जाता है। 10 दिन बाद ही मेरा मरने का मन बदल गया कि मरना नहीं चाहिए, अब कुछ करना है। तो भाई ने डिप्रेशन करके आज ये जिंदा है, नहीं तो परिवार ही बर्बाद हो जाता है, ये मरता फिर बच्चों में भी फिर तो सोसाइडल टेंडेंसी आ जाती है फिर। बिल्कुल, मैंने बेटे की शादी करी, बिटिया की शादी करी और सब ठीक हूँ। चलो भारद्वाज
आशीर्वाद है। ये डिप्रेशन, डिप्रेशन बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और उसका समाधान मेडिटेशन है, योग है। प्राणायाम करो, कपालभाति, अनुलोम विलोम, अपने आप ध्यान हो जाएगा, अपने आप उससे आप बाहर निकल जाओगे। मैं कहता हूँ ना, सारे केमिकल्स हों, हार्मोन सब चेंज हो जाते हैं, प्रोलैक्टिन, कॉर्टिसोल, एसीटीएस डाउन चला जाता है, बीटा एंडोर्फिन लेवल बढ़ जाता है। ये साइंटिफिक बात है, ये कोई बहकावे वाली बात नहीं है, ऐसा होता है। खैर, लाभ तो बहुतों को हुआ है। जी माता, स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। मैं नयनतारा श्रीवास्तव लखनऊ से। हमने आपका कैंप अटेंड किया था गोरखपुर में, आपने कैंप ऑर्गेनाइज किया था गोरखपुर में, तो वहाँ पर हमने आपका पूरा एक हफ्ते का अटेंड किया था और रेगुलरली करते भी थे, डायबिटिक भी थे, थायराइड भी थी, वो सब हमने मतलब किया तो काफ़ी फ़ायदा हुआ, सब हमारे रोग ठीक हो गए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस उसके बाद हमारा सब क्रम टूट गया, इरेगुलर हो गए और सारा कुछ छूट गया, फिर से वही सारे रोग भर आए। तो अब आपके कैंप में आए हैं फिर से निरोगी होने के लिए। एक तो हमें आपसे निवेदन करना है स्वामी जी कि यहाँ हम देख रहे हैं कि ओबेसिटी के पेशेंट्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है और पतले लोगों के बारे में कुछ कहा ही नहीं जा रहा है। जो लोग वेट लॉस कर रहे हैं, जैसे कि हम उदाहरण, तो हमारा वेट डायबिटीज़ और थायराइड दोनों के कारण हमारा वेट काफ़ी लॉस हुआ है, तो हम लोगों के ऊपर भी कृपया ध्यान दें ताकि हमें भी पता लगे कि हमें किस तरह स्वस्थ होना है। एक चीज़ बता देता हूँ, चलो, पहली बात तो यह है कि माता ने किया, फिर बोला हमें फ़ायदा तो हुआ, फिर बीच में छोड़ दिया। जी, तो एक तो रेगुलरिटी तो देखो ज़रूरी है, दूसरी बात यह है कि ये वेट लॉस उन्हीं को होगा जो ओवर वेट है। मैं भी तो आपके सामने बैठा हूँ, ऐसे वेट लॉस होगा तो बाबा की तो हड्डी पसली भी ख़त्म हो जाएंगी, इसलिए ओवर वेट वालों का ही लॉस होगा। दूसरी बात, जिनका अंडर वेट है उनको अश्वगंधा और शतावर, ये दो थोड़े चूर्ण भी ले लेने चाहिए साथ में, तो इससे नॉर्मल वेट रहेगा, बाकी बेनिफिट पूरे हो जाएंगे, बीपी के, शुगर के, थायराइड के, और वेट लॉस नहीं होगा। ठीक, अश्वगंधा और शतावर, ये दोनों पाउडर एक एक दो दो ग्राम ले लेंगे, इससे ठीक रहेगा। ठीक, अनुलोम विलोम करो ना, 5 मिनट लगातार करना है। एक चीज याद रखो, जो भी करो उसको कंटिन्यूटी में फॉलो करो। कुछ लोग छोड़ देते हैं, दवा तो छोड़ते नहीं है, योग छोड़ देते हैं। ठीक हुआ तो आदमी जो है ना, मैंने देखा मजबूरी में ज्यादातर आदमी काम करता है, तो भाई ये बात मजबूरी में नहीं, उसको संकल्प पूर्वक श्रद्धा से करो। इसको 5-5 मिनट लगातार करने की आदत डालो, ऐसे आदत डालो, और चाहे सिर में दर्द हो, शरीर में कहीं पर भी दर्द हो, पूरा मैकेनिज्म चेंज हो जाता है अपने आप। एक होता है बीमार होने वाला शरीर, एक होता है बीमारियों से लड़ने वाला शरीर। जब आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म वो डाउन चला जाता है तो उससे मोटापा बढ़ता है, फिर अंदर से कई तरह की केमिकल्स का सोर्स का, हार्मोन्स का इम्बैलेंस होता है, फिर उससे इमोशंस का इम्बैलेंस, और उससे फिर सारा चक्रव्यूह गड़बड़ होता है। तो योग करने का जो सबसे बड़ा फायदा वो है कि पूरी बॉडी सिस्टम में आ जाती है, और हमेशा एक बात बोली जाती है सब जगह ना, सिस्टम काम करता है। तो जब आप ये प्राणायाम करते हो ना, इन 8 प्राणायामों का और ध्यान का ये लाभ है कि आप पूरी एकाग्रता से और निरंतरता से जब प्राणायाम और ध्यान करेंगे तो पूरा सिस्टम ऑटोमेटिक मोड पर आ जाता है, और उससे फिर सारी चीज़ें, बीमारियों का ख़त्म होना और एक एक चीज़ अपने आप से अंदर से हीलिंग पावर आ जाती है आपके अंदर से, फिर ये सारी चीज़ें अपने आप कंट्रोल होती जाए। जिनको नाक बंद हो जाते हैं उसके लिए एक तो जलनीति सूत्रनीति सिखा देंगे आपको, यहाँ जलनीति सूत्रनीति बहुत अच्छी होती है। एक औषध दर्शन में हमने बता रखा है रीठा का झोल, रीठा का पानी, रीठा का पानी माने रीठा एक चम्मच डाल दो पानी के अंदर, थोड़ा सा उसमें त्रिकुटा डाल दो, वो पानी तैयार हो जाता है 24 घंटे में। उसको नाक में डालो तो लगेगा तो बहुत ज़्यादा, लेकिन जो भी आपके यहाँ कफ और जो विजातीय तत्व हैं, टॉक्सिन्स हैं, वो सारे बाहर हो जाते हैं।
आपको ये प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा एक सप्ताह से लेकर के एक महीना करना पड़ सकता है। पोलिप्स की प्रॉब्लम 100% ख़त्म हो जाती है। रीठा का पानी नाक में डालना, नाक में पानी डाला मुँह से निकल गया, और जो भी ये एक्सेस ग्रोथ हो जाती है अंदर वो भी ख़त्म हो जाएगी। जो मांस बढ़ जाता है, कोई कहते हैं हड्डी बढ़ गई, कोई कुछ बढ़ गया, वो सारी चीज़ें ख़त्म। और जल नेति और सूत्र नेति, जिसको जो अनुकूल पड़े, सबको जल नेति अनुकूल नहीं पड़ती, सबको सूत्र नेति भी, जो भी अनुकूल पड़े वो आपको सिखा देंगे जल नेति या सूत्र नेति, तो ये पोलिप्स पूरा ख़त्म हो जाएगा। इसके लिए घरेलू उपचार के तौर पर 5 बादाम 5 काली मिर्च चबा करके बहुत अच्छे से चबाओ, और ऊपर से चाय, जैसे अपने देसी चाय होती है या दूध होता है हल्दी मिला हुआ, वो थोड़ा पी लो, तो फिर ये परमानेंट इलाज है। 5 बादाम 5 काली